तो मैं इंडेक्स पे बाद में आके पहले रेलवे वाला शेयर ही आपसे पूछ लेता हूँ। सर करीब 12 कंपनीज ऐसी हैं जो रेलवे से सीधा सीधा डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, उनकी 50% से ज़्यादा आय रेलवे से ही आती है। मैं 50 से 12 कंपनी तो ले नहीं सकता, एक दो कंपनी ही लेना चाहूँगा, वो कौन सी है सर, किसको लेना चाहिए? आफ्टरनून डिम्पी जी, मेरे ख्याल से आई थिंक एक टिपिकल डिस्कशन होगा और आई थिंक जो दो मेन मुद्दे हैं, आई थिंक एक रूलिंग स्टॉक को लेके और आई थिंक जो ऑर्डरिंग हो सकती है इन टर्म्स ऑफ बजट एलोकेशन विद रिस्पेक्ट टू वैगन्स हो या रेलवे इलेक्ट्रिकेशन हो या रेल डाउन ऑन ट्रैक्स हो, तो मुझे लगता है आई थिंक रिसीवेबल्स और एग्जीक्यूशन में अभी भी आई थिंक दिक्कतें आई थिंक है जो कैश फ्लोज में नहीं दिखती, बट अगर रेलवे स्टॉक्स चूज करनी ही हो तो मुझे लगता है टेक्समैक और टेटागर दे प्रॉब्ली कैन स्टिल स्टैंड आउट, बट अगेन आई थिंक ये लॉन्ग जेस्टेशन वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं और इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कैश फ्लोज के लिए टाइम लगता है, बट टेटागर और टेक्समैक को शायद दो रेलवे के स्टॉक्स हों जैट कैन बी प्लेड विद द बजट एंड रेलवे एलोकेशन। लेकिन एक और स्टॉक्स यहाँ पर चल रहे हैं वो है सीमेंट, आज पॉकेट एक्टिव है इनफैक्ट इंडिया सीमेंट, मिड कैप सीमेंट स्पेस में यहाँ पर तेजी, सागर सीमेंट में तो सुबह सुबह रिपोर्ट आ गई थी उसका इंपैक्ट देखने को मिला और रेन इंडस्ट्रीज कमाल कर रहा है, पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और आज भी रेन इंडस्ट्रीज दिन के उच्चतम स्तर पर 9% का मूव दे गया है। मयूरेश, सीमेंट को कवर करते हैं कि आज सेकंड लाइन जो कंपनियां हैं लार्ज कैप के मुकाबले जो रेन इंडस्ट्रीज सागर सीमेंट जैसी कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। नहीं, मूव काफ़ी अच्छा रहा है और मिड कैप सीमेंट में आई थिंक हमारे जो पिक्स रहेंगे वो है रैमको सीमेंट जो कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहा है और जितने भी हमने दिक्कतें देखी हैं इन टर्म्स ऑफ सैंड माइनिंग इश्यूज, पेट कोक इंक्रीज, शायद इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, ये सारे कंपनियों में देखने मिले Q3 Q4 में, बट कहीं ना कहीं जैसे डिमांड वापस आएगी और जैसे रियलाइजेशंस ग्रो होंगे और द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स EBITDA पर टर्न विल डेफिनेटली इंप्रूव, सो विद कैपेसिटी एक्सपेंशंस और जो ईस्ट में इनके ऑपरेशन है दैट शुड होल्ड वेल इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन ग्रोथ। JK सीमेंट दूसरी कंपनी मिड कैप में पसंद है जिसमें वाइट सीमेंट का एक कंपोनेंट है, वन ऑफ द टू कंपनीज इन इंडिया प्रोड्यूसर्स वाइट सीमेंट जिसके रियलाइजेशन आर फार बेटर देन ग्रे सीमेंट रियलाइजेशन और जैसे इसकी ओवरऑल ग्रोथ आएगी इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड द काइंड ऑफ मूवमेंट दैट वी प्रॉब्ली सीइंग बोथ फ्रॉम वाइट एंड ग्रे, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। और JK लक्ष्मी सीमेंट जहाँ पे आई थिंक जो दुर्ग प्रांत की इनकी कमीशनिंग हुई है और जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है अलॉन्ग विद कॉस्ट सेविंग मेजर जैसे कन्वेयर बेल्ट हो या कैप्टिव पावर प्लांट जो वेस्ट हीट रिकवरी पे चलता है उसके वजह से आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ विल बी गुड एंड अगेन आई थिंक वैल्यूएशन के हिसाब से EV पर टन में लोएस्ट क्वार्टाइल में कंपनी बैठती है अराउंड $85 पर टन, तो आई थिंक ये तीन विकल्प मिड कैप सीमेंट से हमको पसंद है विद मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव। लेकिन ऑटो पैक में देखिए आज के सत्र में तो बिकवाली है लेकिन जो ऑटो नंबर्स खासतौर से जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस में और टू व्हीलर कंपनियों ने पोस्ट किए हैं वो काफी एक्साइटिंग नजर आ रहे हैं। फिलहाल मारुति सुजुकी क्योंकि मेजर पोर्टफोलियो जो है पैसेंजर व्हीकल सेल से ड्राइव करती है कंपनी, आज हायर लेवल पर थोड़ा स्लिप करती हुई नजर आई। लेकिन मयूरेश, अगर ऑटो स्पेस से किसी स्टॉक को चूज करना हो आज की गिरावट में तो कौन सा स्टॉक होगा, टू व्हीलर कमर्शियल व्हीकल या फिर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कोई भी एक स्टॉक? नहीं, सिलेक्टिवली आई थिंक फॉल में आई थिंक क्वालिटेटिव स्टॉक बिल्कुल देखे जा सकते हैं, बट मेरे ख्याल से आई थिंक जो CV सेगमेंट है दैट शुड कीप ऑन डूइंग वेल ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। अशोक लेलैंड हमें काफ़ी पसंद आ रहा था इन द पास्ट, सो एनी डिक्लाइन ऑन अशोक लेलैंड कैन बिकम अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। दो मुख्य कारण, एक आई थिंक जो लोड फैक्टर्स आ सकते हैं दैट कैन बी सिग्निफिकेंट, दी अदर एलिमेंट ऑफ LCV विच हैज़ बीन अ लगार्ड फॉर अशोक लेलैंड आई थिंक दैट शुड डू वेल, और जो इनकी ओवरऑल मार्केट पेनिट्रेशन है और मार्केट शेयर है MHCV हो पैसेंजर या गुड्स को लेके या इवन दी वरायंट्स ऑन दी LCV पार्ट दे शुड कीप ऑन डूइंग वेल, और जो आई थिंक टैक्स बेनिफिट मिलेंगे बिकॉज ऑफ द मर्जर ऑफ हिंदुजा फाउंड्रीज उससे आई थिंक थोड़ा बॉटम लाइन को भी एक राहत मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आई थिंक अशोक लेलैंड ऑन डिक्लाइंस इज समथिंग वी कंटिन्यू टू प्रेफर। सोचे एक खबर हमको ये पता लगी है कि इनका जो लैंड है खासकर जो लैंड बैंक है उस पर सरकार इस बार बजट के अंदर एक लैंड बैंक पूल बनाएगी, उससे क्या होगा कि इनकी लैंड जो बेकार पड़ी हुई है उसका इस्तेमाल होगा, उससे जो भी कमाई होगी इनकी बैलेंस शीट पे दे दी जाएगी ताकि इनकी बैलेंस शीट ठीक हो जाए। ये खबर हमारे हाथ लगी है, उसमें कुछ डेवलपमेंट भी है कुछ मोनेटाइजेशन भी, यानी कि बिक्री भी होगी और कुछ डेवलप भी किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर MTNL की जमीन आप सोच सकते हैं, जो फ्री होल्ड लैंड ही 224 एकड़ है जो हमने कल रिसर्च करके हमको पता लगा। आपकी रिकमेंडेशन क्या है सर, इन्हीं बीमारू कंपनीज की लैंड बैंक की अगर स्टोरी इस बार के बजट में आ जाती है, इसकी पुख्ता रिपोर्ट हमारे पास है कि ये खबर आ सकती है इस बार के बजट में?
टेक्निकल ट्रेडिंग टैक्टिकल मूव्स हो सकते हैं, बट आई थिंक काफी समय से सुनते आ रहे हैं डीपी जी, और जब तक एक कंस्ट्रक्टिव ना हो आई थिंक कोई भी एक फंडामेंटल कॉल लेना आई थिंक वाजिब नहीं होगा. दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ गेटिंग बिडर्स फॉर सच लार्ज पीसेज ऑफ लैंड, एक बहुत इंट्रिकेट प्रोसेस होता है जो बिडिंग प्रोसेस होगी. सूटर्स आएंगे, बिडर्स आएंगे, आई थिंक उसके बाद बोली लगाई जाएगी. तो आई थिंक इट्स नॉट अ प्रोसेस विच विल एमिनेट इमीडिएटली. तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो डिविडेंड प्ले होगा अगर कोई क्वार्टर के हिसाब से देख रहा है बिकॉज ऑफ शॉर्टफॉल इन रेवेन्यूज, सरकार शायद एक्स्ट्रा डिविडेंड मांग ले कंपनी से, स्पेसिफिकली पीएसयू कंपनीज से. तो आई थिंक दैट कैन बी अ टैक्टिकल प्ले इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू वेल गवर्न्ड कंपनीज, बीएल हो, बीएमएल हो, एनबीसीसी हो, जो शायद ज़्यादा डिविडेंड पे आउट से, इवन सम ऑफ द बैंक्स विच कैन गिव ग्रेटर डिविडेंड पे आउट्स. तो आई थिंक एक ये थीम खेली जा सकती है रादर देन प्लेइंग ऑन दीज थीम्स ऑफ लैंड बैंक्स. जहाँ तक कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट ना हो आई थिंक फंडामेंटल कॉल लेना बहुत डिफिकल्ट कर रहे हैं सर. क्या यहाँ पर किसी भी स्टॉक पर रिकमेंडेशन आपने क्लाइंट्स को दी है जहां पर तेजी बन सकती है? अभी सोमी कन्वेयर की बात कर रहे थे संदीप, और ये दिन के उच्चतम स्तर पे 12% का तगड़ा मूव दे चुका है. नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक जो ये स्टील कन्वर्टर्स हैं या जो रिफ्रैक्टरीज में है, आई थिंक ये शायद कंपनी अच्छा प्रदर्शन दे सकती है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ. ग्राइंडवेल नॉटन हुआ, कार्बोरंड यूनिवर्सल हुआ, और कुछ हद तक एडोर वेल्डिंग. आई थिंक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जैसे पिकअप होगी और जैसे आई थिंक ऑर्डर फ्लोज ये सेक्टर के लिए आई थिंक एमिनेट होंगे, कहीं ना कहीं आई थिंक बैलेंस शीट डायनेमिक्स भी इनके लिए चेंज हो सकती है. तो आई थिंक ये तीन स्टॉक अच्छे कर सकते हैं. हमको दिखा रहा है टेक महिंद्रा के अंदर भी एक अच्छी स्टार्टिंग हमको देखने को मिल रही है. मयूरेश, आपका कन्विक्शन भी काफी स्ट्रांग था आईटी पे, आपने हमको पहले भी आईटी के बारे में बताया. एक दो शेयर आप ऐड करना चाहेंगे कुछ और आईटी में? मैं फ्रंटलाइन आईटी नहीं सर, थोड़ा मिड कैप आईटी में देखना चाहता हूं ज्यादा. नहीं, मिड कैप आईटी में मेरे ख्याल से आई थिंक साइंट ऑन डिक्लाइन अभी भी अच्छा लग रहा है. जितनी भी आई थिंक दिक्कतें और अटकलें थी इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट ऑर्डरिंग नॉट कमिंग थ्रू मर्जेस की वजह से, वहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी. वेजा एक्स और अन्य कारण पीछे हैं, तो आई थिंक इबिटा मार्जिन शुड सस्टेन, और कहीं ना कहीं आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक आनी चाहिए. तो मेरे ख्याल से आई थिंक साइंट इज समथिंग दैट विल कंटिन्यू टू प्रेफर मिड कैप आईटी से अगर एक स्टॉक चूज करना टेस्ट हो सकते हैं. लेकिन एक स्टॉक है लार्सन एंड ट्यूब्रो एलएनटी, ये बीते 15 मिनट में काफी स्ट्रांगली वॉल्यूम्स के साथ चढ़ा है दिन के उच्चतम स्तर पे, और इंडेक्स पे अब लीडरशिप की कमान भी इसने संभालने की कोशिश की है. वीकली चार्ट्स मजबूत नजर आ रहे हैं, 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है. मयूरेश, एलएनटी पे क्या लगता है, कुछ दिक्कतों का जो दौर था वो खत्म हो गया है और यहाँ से एक फ्रेश लेग या फिर इन्वेस्टमेंट बनती है एलएनटी में? इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में ये जो दो स्टॉक्स हैं एलएनटी और बीएचईएल, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली है. पोर्टफोलियो स्टॉक है, और कहीं ना कहीं अगर हम रिविजन देखें उनके रेवेन्यू गाइडेंस का, ऑर्डर गाइडेंस का, तो थोड़ी आई थिंक स्टॉक में दिक्कत जरूर दिखी थी. लेकिन जिससे ऑर्डर बुक है और जैसे इन्होंने ऑर्डर जीएनसी सेगमेंट में कमाया है लास्ट 2 या 3 वर्षों में, उसकी जैसे एग्जीक्यूशन करेंगे वहाँ पे आई थिंक एक अच्छी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगी. क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़े ऊपर है, इसलिए मिडल ईस्टर्न कॉन्ट्रैक्ट्स और जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है वहाँ पे भी सम ऑफ पार्ट्स आएगा. और जो आई थिंक वर्किंग कैपिटल की इनकी एक इच्छा है टू गेट इट डाउन टू 18%, जिसकी वजह से आरओईज एक्सपांड होंगे फ्रॉम 12 to 18% अगले 3-4 वर्षों में. मुझे लगता है आई थिंक काफ़ी एक प्रॉक्सी है इंडियन इकोनॉमी में, विच इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू ग्रो over the next 4 to 5 years. So yes, I think portfolio stock hai. I think it should be taken as an investment candidate with a long term. Mayuresh, chalte chalte kyunki us samay closing ka samay tha, main dairy wale share aapse discuss nahi kar paya. Kya ek share kal bhi chalenge? Dekhiye market mein na khabrein bahut hongi budget tak. Abhi bataya ja raha hai ki midday meal mein shayad doodh is baar shamil ho jaye. Fir khabar ye aayegi solar ko leke sarkar ek bada panel gathan karegi. Fir khabar ye aayegi ki nahi kisano ki income badhani hai तो डीबीटी को लेकर सरकार बड़े फैसले लेगी. ये सुगबुगाहट एक क्लासिकल खबर है जो मार्केट के अंदर आती है. इस खबर की वेटेज कितनी है सर, ये मिड डे मील में दूध को शामिल करना, दूध के शेयरों का इस तरह का रिएक्शन देना? नहीं, आई थिंक जब तक नहीं आता डिम्पी जी, आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होता है फंडामेंटली. लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक अगर आता है, ये दो सिनेरियो पैन आउट करते हैं, अगर आता है तो इंक्रीमेंटली पॉजिटिव होगा. ये आप समझ लें कि आई थिंक जो मिल्क का कारोबार है, आई थिंक हाईली अनऑर्गेनाइज्ड होता है कारोबार. लिस्टेड प्लेयर्स ऑब्वियसली बेनिफिट बिकॉज उनकी जो एक मॉडल होती है वो एक चैनल थ्रू जाती है. तो कहीं ना कहीं येस, अगर ये इंट्रोड्यूस होते हैं तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ डेफिनेट पॉजिटिव. प्रभात मोर ऑर लेस एक B2B प्लेयर है जो इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट्स और वो फेसिंग क्लाइंट्स को देता है, वाइल पराग प्रॉब्ली हैज अ मोर रिटेल काइंड ऑफ रीच. तो जैसे मैं पहले भी आपके शोज पे कहता आ रहा हूँ, आई थिंक आई हैव रिमेन पॉजिटिव. ये मूवमेंट काफ़ी शार्प रही है ये शेयर्स में. मुझे लगता है आई थिंक मोमेंटम जारी रहेगी. एक हैटसन एग्रो
को भी मैं ऐड करना चाहता हूं, जो काफी अच्छी तरह से फाइनेंशियली प्रेजेंट कर सकता है खुद को। मयूरेश, बाजार में दो तरह के लोग हैं, पहला जो चलते हुए शेयर है उनको पकड़ते हैं, प्रॉफिट लेके बाहर आ जाते हैं। दूसरा लोग ये होते हैं जो शेयर बिल्कुल नहीं चलते, बिल्कुल पड़े हुए हैं, उनको वैल्यू बाय जानते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं और बाद में प्रॉफिट लेके बाहर आते हैं। SBI उसी तरह का है, ये चला तो है नहीं। ये दूसरे हिस्से वाला जो मार्केट के लोग हैं वो SBI को बड़ी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। आपकी राय क्या है इस पे, प्राइसिंग के हिसाब से भी, कन्विक्शन के हिसाब से? सर दोनों चाहिए, दोनों के हिसाब से आई थिंक काफी पॉजिटिव राय है। और जहां तक आई थिंक फाइनेंशियल्स और ऑपरेटिंग पैरामीटर्स का सवाल रहा है तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस PSU बैंक्स। हालांकि आई थिंक हमने थोड़ी दिक्कतें जरूर देखी है इन टर्म्स ऑफ द मर्जर और जो एसेट क्वालिटी पे प्रेशर्स आए थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है आई थिंक बैंक में आई थिंक एक स्टेबिलाइजेशन दिखेगी एसेट क्वालिटी के ऊपर। जैसे लोन ग्रोथ और कासा ग्रोथ MD साहब बता रहे थे आई थिंक काफ़ी हाई है, कैपिटल एडिक्वेसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जो इनके अतिरिक्त होते हैं जो अदर इनकम हम कहते हैं वहाँ पे थोड़ी मार लग सकती है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स की मूवमेंट और बॉन्ड प्राइसेस की गिरावट की वजह से AFS बुक पे हिट आ सकती है। बट आई थिंक द कोर बिजनेस शुड डू वेल, और मेरे ख्याल से इवन फ्रॉम अ फाइनेंशियल वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव प्राइस टू बुक अगर हम प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो काफ़ी चीप है कम्पेयर टू इट्स साइज, रीच और क्रेडिट ग्रोथ डायनेमिक्स। तो आई थिंक SBI पे हम बुलिश व्यू रखेंगे फंडामेंटली वैल्यूएशन के हिसाब से भी और कोर डायनेमिक्स के हिसाब से। राइट मयूरेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए और काउंटर स्पेसिफिक चर्चा करने के लिए। लेकिन